भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सोमवार को चंपा देवी पार्क में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किसी वर्ग विशेष का नहीं है और न ही किसी जाति विशेष का है। यह सम्मेलन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का है। उन्होंने कहा कि जो पहले कहते थे हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वह अब मोदी की ही वैक्सीन लगवाकर घूम रहे हैं तथा जल्द ही उनकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा आशीर्वाद यूपी पर रखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा बहुत लोग किसान नेता बनते हैं लेकिन अगर किसी ने किसानों के लिए कुछ किया है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने कहा 2014 से पहले 20,000 करोड़ का बजट होता था लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज एग्रीकल्चर का बजट 1,23,000 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी से लेकर पटेल को याद करती है लेकिन विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। उन्होंने कहा जब जनवरी महीने में कोरोना का पहला मरीज मिला और अप्रैल महीने में वैक्सीन का काम प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करा दिया, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है। उन्होंने कहा यूपी में 4 लेन और 6 लेन हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक के बाद एक विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। उन्होंने कहा यहां बैठे बूथ कार्यकर्ता कल प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, वहीं बूथ अध्यक्षों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव जिन्नावादी और राष्ट्रवादी के बीच होगा। उन्होंने कहा यूपी का विधानसभा का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी। एक ओर भारत की आन बान और शान की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, दूसरी ओर आतंक का समर्थन करने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया की जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में समाजवादी पार्टी का ना तो पता था ना बहुजन समाज पार्टी का, सभी अपने घरों में आइसोलेशन में थे लेकिन एकमात्र पार्टी भाजपा उस समय सड़कों पर काम कर रही थी तथा दवा टेस्ट ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ भाजपा की उपस्थिति थी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयप्रकाश निषाद, जयप्रताप सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी, सदर सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, जयप्रकाश निषाद, प्रवीण निषाद, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में गुंडई करेगा वो गुंडई छोड़ दे, सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। हमारी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया उत्तर प्रदेश में। प्रेरणा लेकर हम सब काम कर, आप इस तरफ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
कभी काम होता रहेगा, हम लोग का नहीं नहीं। अरे केवल के खींच पाएंगे उतना पीछे वाला। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आप लोग एक बार तालियों के साथ ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन गोरखपुर क्षेत्र का उसका उद्घाटन हो रहा है, हम सबके लिए गौरव का क्षण है, गोरखपुर क्षेत्र के एक कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के सभी पदाधिकारी मंच पर विराजमान है, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील जी सब जी का पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करके तालियों की गर्जन हाथ के साथ अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दौरे पर तालियों। मैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र जैन जी, मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र के महामंत्री सुनील गुप्ता जी से, जिस बूथ का यह मत है, जिस बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मत है, वो जात का व्यक्ति दूसरे पार्टी से लड़ रहा है सपा से, तो कैसे जीतोगे? उसने कहा मैं सब चिंता मत करिए, बूथ में जीतूंगा। वह बूथ पर जीता, मैं पूछा कैसे जीते, तो उसने कहा कि मैं चिन्हित किया 10-15 घर और मैं रोज कुंडी खटखटाता था और 9 दिन तक वो लिफ्ट नहीं मारा। मैं कहता था भाभी जी अपने थोड़ा ससुर को मना लो, बोर्ड की सर बीजेपी को दे। वो 10वें दिन कहा तूने हद कर दिया, रोज का रोज आए और नाराज भी नहीं हुए, अब तुम्हारे आने से ये पक्का हो गया है मैं तुम्ही को बोर्ड दूंगा, किसी को बोर्ड नहीं दूंगा। और यही नहीं, तो बूथ अध्यक्ष ने जो काम किया है आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कोरोना जैसे महामारी में, वर्तमान में आप सदस्य बना रहे हैं, वर्तमान में आप कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, मित्र बनाते हैं, कोरोना जैसे महामारी में भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो आग्रह किया था कि अपने घर से गरीबों को भोजन देना है, दुनिया का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रों जो कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिए और सभी कार्यकर्ता अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बूथ अध्यक्ष अपने घर से गरीब बूथ अध्यक्ष अपने घर से रोटी नहीं रहा तो लैया चना और रोटी 5 पैकेट बनवाकर मित्रों भोजन का पैकेट और लैया चना लेकर अपने प्रवासी मजदूरों को बांटने के लिए सड़क पर उतरने वाला पहला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता है मित्रों। और यही नहीं मित्रों, कोरोना में जैसे मारी मारा में वैक्सीनेशन की बात थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया कि मैं झोला भेज रहा हूँ और उस झेला में गरीबों को राशन बांटना है, बरसात में उनका अन्न न खराब हो, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना के तहत बूथ अध्यक्षों ने इतना परिश्रम किया कार्यकर्ताओं ने कि उस कोटेदार के पास खड़े होकर गरीबों को झोले में अन्न पहुंचाने का भी किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों ने किया। नहीं, वैक्सीनेशन की बात आई तब भी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन भी घर घर जाकर राजनीतिक दल के रूप में किसी कार्यकर्ता ने किया मित्रों, तो केवल इस प्रदेश के बूथ अध्यक्ष के और सपा बसपा कांग्रेस वाले बाहर नहीं निकले मित्रों, यदि कोई निकला है तो आप निकले हैं और आज के अध्यक्ष जी के कारण निकले हैं। इसलिए आज धरती पर मित्रों ऐसे देवकुल बूथ अध्यक्ष कहां मिलेंगे,
और बूथ अध्यक्ष जो मनाता है, जो वोट करवाता है, मत दिलवाता है, और वही बूथ अध्यक्ष ने कहा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं मतदान के लिए, ये वोट किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मतदान किसी जात के लिए नहीं है, ये मतदान किसी क्षेत्रवाद के लिए नहीं है, ये मतदान शराब के लिए नहीं है, ये मतदान भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, ये मतदान जो हम करवाते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान करवाते हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मतदान करवाते हैं, गुंडों को जेल में बंद करने के लिए मतदान करवाते हैं और भारत में की दुनिया में जय जयकार है इसे मतदान हम करवाते हैं। वो बूथ अध्यक्ष का मैं सुनकर दंग रह गया मित्रों, उस बूथ अध्यक्ष को सलाम करना चाहता हूँ और सभी राज्य के बूथ अध्यक्षों को ऐसे देवपुर कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे और इस प्रकार के कार्यकर्ता जिस पार्टी को रहेंगे पास रहेंगे मित्रों, किसी की हैसियत नहीं है, उसका 2022 का यात्रा कोई रोक पाएगा मित्रों। स्वागत करो मित्रों, ये मेरा निवेदन है कि अपने सभी बूथ अध्यक्षों का राज्य अध्यक्ष का एक बार स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर आशा के केंद्रों के साथ साथ विकास की एक नई गाथा लिखने वाले नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सब की पराकाष्ठा करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक और लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे दिल्ली नहीं पाएंगे आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश की छह क्षेत्र है और आज यह पहला क्षेत्रीय स्तर पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अपने गोरखपुर क्षेत्र में महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तमाम ऊपर नीचे सम विषम परिस्थितियों का सामना करते थे, हमेशा राष्ट्रीय मूल्यों के साथ कार्य किया है और गोरखपुर की धरती है जो भारतीय संस्कृति साधना और साहित्य की अनमोल कृति गीता प्रेस के माध्यम से गीता के संदेश को आम जन तक पहुंचाती है। ऐसे गोरखपुर की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 में शहीद बंधु सिंह ने अपनी शहादत इसी धरती पर दी थी। अनेक क्रांतिकारियों ने समय समय पर इस अभियान को आगे बढ़ाया और यही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र ही है जिस गोरखपुर क्षेत्र में जन्मे शहीद मंगल पांडे ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अलग को जगा करके विदेशी हुकूमत की चूर्णों को हिलाने का कार्य किया था। यही वो धरती है जहां
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, गोरखपुर क्षेत्र संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, स्व चुनाव प्रभारी और माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, दारा सिंह चौहान जी, जय प्रताप सिंह जी, जय प्रकाश निषाद जी, सतीश चंद द्विवेदी जी, श्री राम चौहान जी, उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, सकलदीप राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर रमाकृष्ण त्रिपाठी जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री रवि किशन जी, श्री विजय दुबे जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री प्रवीण निषाद जी, गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, इन सभी पदाधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों का, आप सभी बूथ अध्यक्षों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी क्यों नहीं। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा,
इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2017 में 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया, जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जवान पर आ गया है कि मोदी है तो जब सबकी जवान पर बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, ये समर्थन इस बात का द्योतक है कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना और पहुंचाने के बाद में कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था, टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी, उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जवान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में आजादी के बाद सही मायने में किसी को मिला है तो एक एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि लाभार्थियों से संवाद बना करके जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे, एक बड़ी संख्या आपके बूथ पर, बूथ मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहां एक हमें कार्य करना होगा। दूसरी तरफ इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था, ये सभी पार्टियां सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्रदाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि नहीं, ये आपदा का कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपदा का कार्यकाल है, इस समय मानवता का संकट खड़ा हुआ है और इस संकट के समय में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, एक एक नागरिक के जीवन को बचाना है, इस समय पार्टी नहीं, संगठन नहीं, सेवा हमारे लिए सर्वोपरि, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दीन दुखी के पास जाकर के उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। कहीं पर दवा के लिए, कहीं टेस्ट कराने के लिए, कहीं अन्न योजना का लाभ दिलाने के लिए, कहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए,
केवल भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति थी, बाकी किसी की उपस्थिति नहीं थी। भाइयों बहनों, गोरखपुर क्षेत्र लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। 500 वर्षों से लोग मानते थे समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, आज उसकी परिणति है कि 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। आप देख रहे होंगे एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है, और ये प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की चाह मर के आती है, उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को किसी भी व्यापारी की जमीन पर किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घीकी कैसे बन चुकी है, किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में कोई बंगला न होना, माफियाओं को उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। कमजोर सरकारें होती आज इस बुलडोजर से वही कर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि से मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके उस सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक नहीं दिन कर दे करके रहेगा। और आज भाइयों बहनों वह सर्वत्र देखने को मिल रहा है, और इसीलिए आपके पास तमाम मुद्दे हैं और उस मुद्दे के साथ एक एक बूथ की मजबूती के लिए कार्य करना, उस अभियान के साथ जुड़ना, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ को संभालने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो भाइयों बहनों 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें निस्तनाबूत करने का काम किया था, और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आए गया है तो अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस भूम क्षेत्र गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था, उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर इसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था, इसमें उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर से, देवरिया से, अलग 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 जनपदों से सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इतनी दूरी से आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम। आपके इस बूथ अध्यक्ष के क्षेत्रीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व में भारत सरकार के मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, सह प्रभारी अरविंद नंदन जी, विवेक ठाकुर जी, भारत सरकार के मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री सूर्य प्रताप साहू जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, रवि कृष्ण जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, सभी सम्मानीय इस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, प्रदेश और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बूथ के अध्यक्ष जो विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में उपस्थित है, आप सबका इस सम्मेलन में मेरी ओर से और सम्मानित मंच की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। यह अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं, और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरखनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे
तो यही नदी तट पर विभिन्न के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की गोद में निकले थे, तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, भूमि ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिन्हें देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाए और दिखाए ये सम्मेलन बैठ जाइए, आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया समागम है, यह किसी वर्ग विशेष का नहीं है, यह किसी जाति विशेष का नहीं है, यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। जो भी चुनाव में जाएंगे तो छाती ठोक करके आप मतदाताओं के साथ कह सकेंगे कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनका नेता नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने पल पल अपना समय लगाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम कर
शीर्ष पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए, उस बात को भी हमको समझना चाहिए। आइसोलेशन में चली गई, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो दर्शन नहीं देते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जान की बगैर परवाह किए हुए लोगों की सेवा में लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, मैं आप सबको इसके लिए हृदय की गहराई से नमन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने सेवा ही संगठन के नाम पर कोरोना के साथ लड़ते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। अगर की तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। मित्रों, हमें यह गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसमें हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है और आंतरिक प्रजातंत्र के तहत एक साधारण परिवार से आने वाला एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है और मुझ जैसा अध्यक्ष बन जाता है, ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए बूथ के अध्यक्ष ये फख्र के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि कल को वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्वतंत्र देव कहां बैठे हैं जो उन्होंने काम किया है उनके साथ मिलकर के आगे काम कर सकते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है, हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है, इस बात को समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है, ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो। तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति रीति ऐसी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है, इस बात को हमको समझना। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वो वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो वंश के लिए। हम लोग सबका साथ इस बात को लेकर के चलते हैं, वह सिर्फ वोट बैंक का साथ लेकर के राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष को लेकर के राजनीति करते हैं। हम लोग आंदोलन में विश्वास करते हैं, वह परिवार उदय में विश्वास करते हैं, हम सबके उदय में विश्वास करते हैं।
परिवार के हृदय में विश्वास करते हैं, अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने ताया के लिए। अब तो चाचा के लिए भी सोचना छोड़ दिया है, अब तो सिर्फ अपने लिए रह गए। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। मित्रों, हम सबका विश्वास लेकर के चलते हैं, वो वोट बैंक का विश्वास लेकर के चलते हैं, और इसीलिए हम ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम बूथ अध्यक्षों से यह भी निवेदन करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं को काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष करें। हर पार्टी के कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस बात को अपनी योजना बना करके हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मित्रों, हमें पूरी तरीके से मालूम है कि आपने जिस ताकत के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई थी, जिस ताकत के साथ आपने 2017 में विधानसभा में जीत हासिल कराई और एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लेकर आए, और जिस हिम्मत के साथ गठबंधन को आपने हराते हुए उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आप सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप नेतृत्व करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी ताकत से बूथ बूथ पर काम को आगे बढ़ाते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए आप प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं समाज को खंडित करने का विचार नहीं रखता, अरे बहुत उस तरह के वक्तव्य बोलता हूं, लेकिन मुझे ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। ये क्या कारण है? इसी के आधार पर हमको जाना चाहिए, जनता को ये बताना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद एक तरफ राष्ट्रीय योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उन लोगों को याद करने के बजाय राजनीति के छोटे और संकीर्ण विचार को लेकर, जिनको कभी भी भारत का इतिहास माफ नहीं करेगा, ऐसे नेताओं का नाम लेकर के वह राजनीति करने के लिए उतारू होते हैं। मैं निवेदन करूंगा बूथ के अध्यक्षों को कि जाइए घर घर में संदेश दीजिए कि ऐसे विचार रखने वाले लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं उनको घर बैठाइए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से काम में लगा करके आगे विकास में जोड़िए। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, आप चुनाव में अभी जब जाएंगे तो आपके विपक्ष के पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके पास आपके नेताओं के द्वारा और आपके द्वारा किया गया कार्य एक एक मुद्दा समाज को उद्वेलित भी करेगा और समाज को जो आपने दृष्टि और दिशा दी है उसके साथ चलने के लिए तैयार भी होगा। आप याद कीजिए, कोरोना में जब अमेरिका कोरोना के सामने हार गया, जब पाश्चात्य देश भारत से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद लड़खड़ा आ गए, तो ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसने समय पर फैसला लेकर 130 करोड़ की जनता को बचाते हुए
पहले जान है तो जहान है, और बाद में जान भी है और जहान भी है, इस बात को चर्चा करके दिया। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि नेतृत्व का क्या फर्क पड़ता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि ये भारत देश है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार जिसे सीए योगी जी लड़ते रहे, इसका टीका जापान में 1930 में आ गया था, लेकिन भारत में यही टीका 2006 और 7 में आया, जब योगी जी ने संसद में विषय को उठाया तब जाकर के इसका इलाज शुरू हुआ, इस बात को समझना। लेकिन भारत के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर कोरोना आया तो कोरोना का पहला मरीज जनवरी महीने में पकड़ाया था, वो ध्यान में आया था भारत में, और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने हाई पावर कमिटी बना करके वैक्सीन का काम शुरू कर दिया, और 9 महीने के अंदर पहली बार भारत में एक नहीं दो लोग कोरोना के वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराए और भारत की जनता को दिया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1,16,00,000 लोगों को 116 करोड़ लोगों को ये इसका टीका लग चुका है, और इसके साथ साथ फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए पूरी तीव्र गति से काम चल रहा है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14,54,00,000 लोगों को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ये कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, ये भारत है, पहले भारत मांगता था टीका दे दो दे दो दे दो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं और कोरोना से मुक्त की ओर आगे बढ़े हैं, अब तुम भी टीका हमसे ले लो ले लो ले लो, दुनिया को हम टीका दे रहे हैं, हमारे राष्ट्र अलग अलग देश मांग रहे हैं, और हम उनको टीकाकरण के लिए हम उनको पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों याद करो, अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो, तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है, और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों ये क्या राजनीति है, ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रम करने का काम करते हैं उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है, जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर उंगली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम करते हैं। मित्रों आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ही कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको आपने ट्रिपल
मुक्ति दिलाई है। आप और के साथ ही कह सकते पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है, उस बात को हमको ध्यान रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। काम करने वाली सरकार एक ऐसी होती है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हो, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं, मित्रों बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट, आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने 153 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2,000 रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2,400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1,200 रुपए में आपको पहुंचाई है, यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ, इस बात को समझना चाहिए। कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक राशन पहुंचाने का काम किया है तो मोदी योगी की सरकार ने किया है, हमको समझना चाहिए। कोरोना के काल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया, यह बात जनता जानती है अच्छे से, तो उसको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप याद दिलाएंगे। मित्रों आदरणीय योगी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूं, कहना बड़ा आसान है लेकिन सपनों को धरती पर उतारना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था नेता ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते। मैंने कहा इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए, और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी जी को, और आप हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं
मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, बार बार मैं देखता हूँ, पहले उसके बाउंड्री वॉल बन रहा था, आज उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार है, आज ओपीडी चालू हो गई है और जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको समर्पित करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज। अब आप गांव गांव में जाकर बताइए, आपको नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों को, मऊ के लोगों को, पड़ोसी राज्यों को, आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज सस्ता टिकाऊ और अच्छा इलाज गोरखपुर में हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नेता की नीयत का नतीजा है। सही नेता आता है तो सही फैसला होता है। आज यहां जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, हमारे हरीश द्विवेदी जी बैठे हैं, हमारे विजय द्विवेदी बैठे हैं। पूछिए, आपने कभी सोचा था कि कभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि दिल्ली आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक एक किस्त 250 करोड़ रुपए देगी एक एक हॉस्पिटल बनाने के लिए? और कभी आपने सोचा था कि हरीश द्विवेदी कहेंगे, विजय दुबे कहेंगे कि हमें जरा सा एयरपोर्ट की स्क्रिप्ट बढ़ा दो तो उनको उत्तर मिलेगा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं या परिस्थितियां जाकर के खड़ी है? एक गुजरता भारत, एक गुजरता उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे, देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या? मित्रों, देश को बदल रहा है। अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दृष्टि और दृष्टि देने में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा और मोदी जी स्वास्थ्य नेतृत्व करेंगे, ये बात जानते हैं। आज हम आए योगी जी के साथ तो फोर लेन सड़क, नरेंद्र मोदी जी तो सिंगल लेन होती थी, बोले गए वो जमाने, अब फोर लेन सिक्स लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी तेरी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक से एक विकास की योजनाएं बन रही, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश का सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वही का वही ठहर जाता। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंड बनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाएं। पहुंचाने के लिए आप सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी उंगली से कमल के निशान को गर्दन दबाकर यह फैसला लिया है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उंगली सही जगह पड़े इसकी चिंता करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। गलत जगह पड़ जाए तो जिन्ना याद आता है, खड़े हो जाते हैं और देश को आगे बढ़ा ले जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं। इसलिए मित्रों, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य योजना हो, ये सिर्फ योजना ही नहीं,
महिलाओं के सशक्तिकरण का जीता जाता तस्वीर थी। आप बताइए आजाद भारत में 2014-2017 तक 11 करोड़ परिवारों को इस बात के लिए इंतजार करना पड़ा कि वह अपने दैनिक जीवन के दैनिक व्यवस्थाओं के लिए एक इज्जत घर के बगैर जी रहे थे। यानी अगर 11 करोड़ परिवार को इज्जत घर देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत किया। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मालूम है 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी आए थे, 75 जगहों पर 75,000 महिलाओं को घर की मालिकाना हक के साथ चाबी देने का काम अगर किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों मैं लंबी कहानी विकास की बता सकता हूं लेकिन मैं इतनी बड़ी सम्मेलन को इन सारी बातों को कहने के लिए इस समय का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो भाग्यशाली भी है और जो भारत के भाग्य को उज्जवल करने के लिए अपना योगदान करने के लिए तैयार है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं ये बूथ सम्मेलन है और इस बूथ सम्मेलन में जहां केसरिया है केसरिया दिखता है और यहां पर कार्यकर्ता जिसके पास इतने हो तो जब हम जनता को बुलाएंगे और योगी जी की जनसभा होगी और जब मोदी जी की जनसभा होगी तो सारे मैदान छोटे पड़ जाएंगे। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत से बूथ पर जुट जाइए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास की कहानी में अपना योगदान करेगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में लेकर आएगा और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की कहानी और आगे बढ़ेगी और तीव्र गति से बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के सभी हमारे नेतागण आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बार तालियां बजा करके माननीय राष्ट्रपति का फिर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। अपने मीडिया के साथियों का भी जो प्रातः से यहाँ लगे हैं उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सभी बूथ अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी के जो अपने संगठन के लिए और आने वाले 2022 के लिए बूथ मजबूत करने के लिए हर तरह से उन्होंने बूथ अध्यक्षों को बताया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी पद को प्राप्त कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी में सारे पदाधिकारी एक समान होते हैं। कभी भी कोई इस प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये किसी के बाप की बपौती वाली पार्टी नहीं है, किसी के परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यही हम लोगों को आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये निर्देश हुए हैं और सबको ये मालूम है। सब लोग एकजुट होकर के 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए सभी बूथ के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं। कितना कारगर होगा आज का सम्मेलन 2022 के चुनाव के लिए? 2022 ही नहीं, आगे आने वाले जितने चुनाव होंगे, आज की तारीख में विश्व की सबसे नंबर वन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किराए के नहीं हैं, ये स्वयं अपने आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। निष्ठा और दिलो जान से लग करके रात दिन एक करके काम करते हैं और इसलिए जो है पूरा पूरा हमेशा हम लोगों को आशा और विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।